ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जनता का फैसला ही सबसे अहम होता है। पहले ये माना जा रहा था कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद रिजवान को कोई टक्कर भी नहीं दे पाएगा। इसकी वजह थी कुंदरकी की मुस्लिम आबादी, जो चुनाव परिणाम में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन बीजेपी ने इस उपचुनाव में ठाकुर रामवीर सिंह को मैदान में उतारा और उन्होंने सपा के बड़े नेता मोहम्मद रिजवान को हार का सामना कराया। ये परिणाम सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि ठाकुर रामवीर सिंह सपा के कैंडिडेट के सामने टिक नहीं पाएंगे। ठाकुर रामवीर सिंह की जीत के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले कुंदरकी के मुस्लिम वोटरों ने भी रामवीर सिंह का समर्थन किया। इस सीट पर पहले से ही सपा के पूर्व विधायक से जनता नाराज थी और उनका विरोध कर रही थी। इस नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिला। ठाकुर रामवीर सिंह ने मुस्लिम इलाकों में जाकर प्रचार किया और लोगों से सीधा संपर्क बनाने की कोशिश की। उनकी ये कोशिश सफल रही और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उन्होंने अच्छा समर्थन प्राप्त किया। इस तरह ठाकुर रामवीर सिंह ने उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की जहां सपा को पहले ज्यादा समर्थन मिलता था। इसके अलावा बीजेपी ने उपचुनाव से पहले ही कुछ विकास कार्य भी शुरू कर दिए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार में पूरी ताकत लगाई थी और ऐसे काम किए जिनसे जनता को ये संदेश मिला कि बीजेपी विकास में आगे है। एक और कारण जो बीजेपी की जीत के पीछे काम कर रहा था वो है आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जनता का नजरिया। फिलहाल विधानसभा चुनाव में 2 साल से ज्यादा का वक्त है और कुंदरकी के लोग अब विकास को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। बीजेपी ने चुनाव में विकास की बात की थी, जिससे लोगों को लगा कि उनका वोट बीजेपी के पक्ष में जाना सही रहेगा। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ है। सपा के लिए एक बड़ा ये एक झटका माना जा रहा है। ये चुनाव ने एक बात तो साफ कर दी है कि जनता के मुद्दे और विकास की बातें ज्यादा मायने रखती हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस सीट पर भविष्य में क्या बदलाव होता है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।